तहरीक इंसाफ ने खदशा जाहिर किया है कि आयशा गुलालाई के इल्जामात पर कायम तहकीकाती पार्लिमानी कमेटी को सियासी निशानेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। शीरी मजारी ने स्पीकर के नाम लिखे खत में कमेटी को दोबारा मुस्तरद करते हुए मौकिफ इख्तियार किया कि सियासी मुखालिफिन की अक्सरियत पर मुश्तमिल कमेटी गैर जानिबदार नहीं हो सकती। वकील रियाज हनीफ ने पार्लिमानी कमेटी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में स्पीकर, वजीर आजम आयशा गुलालाई, इमरान खान और आईजी को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया गया कि पार्लिमानी कमेटी का कयाम बदनीयती पर मबनी है। दूसरी तरफ आयशा गुलालाई के खिलाफ नैब खैबर पख्तूनख्वा में दरख्वास्त जमा करा दी गई। गुलालाई के साबिक मुआविन नूर जमान और साथियों ने मौकिफ इख्तियार किया कि आयशा गुलालाई ने तरक्याती मंसूबों में 1 करोड़ से ज्यादा कमीशन ली।